Hi friends, welcome you back to Molecular Basis of Inheritance, tutorial 4. ठीक है, तो tutorial 4 में देखो exactly हम मतलब इसमें सारे पूरा topics को दोबारा एक बार revise कर रहे हैं. Entire topic से मैंने question डाला हुआ है and that too NCERT based. आज का जो ये question unit है बिल्कुल ही NCERT based है. मतलब जैसे कि हमने पिछले जो लास्ट ट्यूटोरियल्स किए थे वो थोड़ा एडवांस लेवल का भी किया था, मिक्स्ड लेवल था, राइट? ये बिल्कुल एनसीईआरटी के जो गिवन लाइंस है उसमें से डाल रही हूँ, ठीक है ना? तो ये जो क्वेश्चंस जो कर रहे हैं हम लोग, कुछ थियोरेटिकल है इसमें, आज कुछ न्यूमेरिकल नहीं है. एंड बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है लाइक फिल इन द ब्लैंक्स डाला हुआ है, राइट? देन जैसे इसमें डायग्राम्स वाले बेस्ड क्वेश्चन, स्किल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वो सब डाला हुआ है एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन को देखें. सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन, ये फिर हमारा नॉलेज बेस्ड हो गया. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए वॉज शोन. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मतलब इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए वॉज गिवन इन विच ऑर्गेनिज्म. प्रूफ का पूछा है, तो प्रूफ किसने किया था? मैसेलसन एंड स्टॉल ने, राइट? सो द प्रूफ वॉज गिवन बाय मैं हर चीज को अटैच कर रही हूं. मैसेलसन एंड स्टॉल, राइट? इन, अब यहाँ हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहा है. ठीक है, तो हमें ये डायग्राम बेस्ड यानी ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन में आ रहा है, दैट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करनी होगी. नाउ द मेन कंपोनेंट्स जो हम देख रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो लेट्स डू विद द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे देखो ये 3' डायरेक्शन में है और ये बी के साइड में 5' डायरेक्शन में है, राइट? सो मेरा ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन से होता है? 5'. सो मेरा हिंट क्या है यहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन 5', 3' डायरेक्शन. ठीक है, ऑलवेज इन 5', 3' डायरेक्शन. सो माई ए साइड जो होगी इधर से शुरू होगी ट्रांसक्रिप्शन. सो ए इज द प्रोमोटर, ठीक है, और एंड कहाँ पे होता है? हियर इट एंड्स. तो बी इज द टर्मिनेटर, ठीक है, और ये सी क्या है? देखो सी इज द आप कह सकते हो टेम्पलेट एंड डी इज द कोडिंग सीक्वेंस. मतलब सी के ऊपर बेस करके न्यू एमआरएनए सिंथेसिस होगी. सो सी इज द टेम्पलेट एंड डी इज द कोडिंग. सो डी इज द कोडिंग सीक्वेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? आइडेंटिफाई ए बी सी डी तो ऑफ अ गिवन डायग्राम विद एमआरएनए. नाउ ये जो हमारा डायग्राम दे रखा है, दिस इज एमआरएनए, राइट? तो एमआरएनए की ये है आपका 5' एंड. तो 5' एंड में 5' एंड दैट इज ए रीजन पे हमारा क्या होता है? मिथाइलेटेड कैप, है ना? 5 मिथाइल गुआनोसिन जो होती है. सो इट इज मिथाइलेटेड कैप. और मैं बार बार कह रही हूँ ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब मैंने लेक्चर्स दिए थे तब भी मैंने कहा था दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में. अब बी मेरा क्या आ रहा है इसमें? बी इज द, उसी डायग्राम में आप चेक करोगे ना, सो बी इज द नॉन कोडिंग रीजन्स. कुछ रीजन्स होती है विच आर नोन एज नॉन कोडिंग रीजन्स. एंड सी क्या है? सी इज द कोडिंग रीजन्स, राइट? सो वॉट इज माई सी? सी में आता है कोडिंग रीजन्स, ठीक है, और डी क्या है?
डी इज द थ्री प्राइम एंड है, सो इट्स पॉली ए टेल. ठीक है, नाउ फोर्थ उस पे देखते हैं. द फ्लो चार्ट गिवन इज डीएनए टू, देखो ये क्या बोल रहा है इसमें आपको, लेवलिंग फिर से अगेन स्किल बेस्ड. फ्लो चार्ट भी हमारा स्किल बेस्ड आ रहा है. सो व्हाट इज माय ए, डीएनए टू डीएनए दिखा रहा है ये, है ना. सो डीएनए टू, सॉरी सो डीएनए टू डीएनए दिखा रहा है इसे, विच इज इक्वल्स टू रेप्लीकेशन. ठीक है, तो माई ए इज रेप्लीकेशन. और इसने बी क्या दिखा रहा है, बी इज डीएनए टू एमआरएनए दिखा रहा है ना. सो इट्स डीएनए टू एमआरएनए, सो बी इक्वल्स टू ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, और फिर एम आर एन ए टू उल्टा दिखा रहा है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को मतलब ये दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है ना. सो सी इज अगेन एम आर एन ए टू डी एन ए दिखा रहा है, सो विच इज इक्वल्स टू रिवर्स, और ये रहा डी. ठीक है, और डी क्या दिखा रहा है, एम आर एन ए टू प्रोटीन्स, विच इज ट्रांसलेशन. ठीक है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप समझो इसको अच्छी तरह से. नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द जीन एंड कोडिंग 50 एमिनो एसिड्स. तो यहाँ बच्चे हमें क्या लेना है, जीन एंड कोड्स, राइट. कितने एमिनो एसिड इक्वल्स टू 50 एमिनो एसिड्स, है ना. और 25th जो है कोडन, UAU, इट गेट्स म्यूटेटेड टू UAA. और UAA क्या है हमारे लिए, स्टॉप कोडन. स्टॉप कोडन क्या होता है, जहां प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल रुक जाती है और आगे बढ़ता ही नहीं है, राइट. सो मेरा अगर 25th, इफ 25th इज स्टॉप कोडन, अगर ये स्टॉप कोडन है, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितनी होंगे, एमिनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी 24, राइट. 25th तो स्टॉप कोडन आ गया, तो क्या आएगा इसमें, 24 आ जाएगी. नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है, बेसिक. सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेसिक है. तो फिर बेसिक होने से कौन सी चार्ज आएगा इसमें, बेसिक एंड आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. और डीएनए कौन सी चार्ज होता है, नेगेटिवली, सो इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोल रहा है यहाँ पे. करेक्ट स्टेटमेंट की बात हम नहीं कर रहे, इनकरेक्ट की. सो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे पीछे से चलते हैं. जीन कोड, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, है ना, ये तो नॉन ओवरलैपिंग ही है. एक्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि 5X174 का कुछ जीन्स में ओवरलैपिंग होती है, सो दैट इज एक्सेप्शनल. नॉर्मली हम क्या देखते हैं, इट्स नॉन ओवरलैपिंग. जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब अगर AUG मिथियोनिन है तो फ्रॉम प्रोकैरियोट टू हायर ऑर्गेनिज्म वो क्या रहेगा, मिथियोनिन ही रहेगा. ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता. बट
देयर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हर उस पे मिल जाएगी आपको. देन जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब देयर आर 20 एमिनो एसिड और उन 20 एमिनो एसिड के लिए, ठीक है, मतलब 61 कोडन्स. दैट मींस द कोड जो कोई भी मतलब एमिनो एसिड हो दैट विल हैव मोर देन वन कोडन. फिर जेनेटिक कोड इज एम्बिग्युअस बोल रहा है. एक्चुअली क्या होता है, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्युअस. अगर हमने एयूजी को मिथियोनिन के लिए यूज कर लिया तो एयूजी कैनॉट बी cannot represent any other amino acid. So it's non ambiguous. So my solution is, answer kya aayega isme? So answer hum log likh sakte hai A, aur iski solution hai, solution is genetic code is non ambiguous. Okay. Now, refer to the sequence of steps and select the correct option. So, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? DNA to HNRNA. What is HNRNA? Heteronuclear RNA. ठीक है? और फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है इसमें? It's transcription. ठीक है, और एच एन आर एन ए से फिर क्या दिखा रहा है ये एम आर एन ए, और एम आर एन ए से क्या दिखा रहा है ये प्रोटीन्स, राइट. तो मेरा जो आंसर आएगी डीएनए टू आरएनए है ना, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन. और एच एन आर एन ए से एम आर एन ए क्या होती है, स्प्लाइसिंग. एच एन आर एन ए से इंट्रॉन्स रिमूव होगी, एक्सॉन्स आर जॉइन टू फॉर्म एम आर एन ए. और फिर एम आर एन ए से क्या होता है, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के वजह से प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, राइट. नाउ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ एच एन आर एन ए. याद करो क्या किया था हमने, in a process call. So 5' in 5' end of HNRNA, yani heteronuclear RNA, theek hai, 7-methyl guanosine is added by the process called capping, theek hai na, by the process called capping. ठीक है, सो अब नेक्स्ट, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ टीआरएनए लाइज एट द, ये जो आरएनए होता है ना, आरएनए इज बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट. तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो फोल्ड होके एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाती है, और फिर उस डबलिंग को हम क्या कहेंगे कि टीआरएनए की इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. तो ये बोल रहा है क्या कि भाई हमारा जो टीआरएनए जो फोल्ड होती है उसका एक एडाप्टर साइट, अगर आप याद करो देयर इज एन एडाप्टर साइट. सो दीज एडाप्टर साइट में एमिनो एसिड बाइंड होती है, राइट. सो मैं क्या लिखूंगी, एमिनो एसिड बाइंड्स टू एडाप्टर, ठीक है, binds to adapter. और ये adapter क्या है, adapter CAA sequence, तो adapter which lies in, किस में होता है, 3', this is very important, 3' end में, ठीक है, 5' खाली रहता है, 3' end में होती है. Next question देखो, which of the following steps, तो मैंने यहाँ पे steps नहीं लिखा है, हमें थोड़ा सा खुद से भी इसको याद करके लिखने की कोशिश करना चाहिए. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय एमआरएनए पॉलीमरेज. तो एक बार याद कर लेते हैं, आरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है सबसे पहले पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड होता है. प्रोमोटर के साथ बाइंड होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज
इन द डायरेक्शन 5' to 3' चेन को इलोंगेट कर देता है व्हेन द न्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. सो आरएनए पॉलीमरेज डज इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन. मेरा आंसर ये रहेगा, elongation of RNA chain in 5' 3' direction. ठीक है, so उसके बाद the structural genes. Next question जो है मेरा, in eukaryote possesses coding and non-coding sequences. तो मेरा पहला आंसर, पहला क्या बोल रहा है ये कोडिंग, दूसरा क्या बोल रहा है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, राइट. सो व्हाट इज द कोडिंग सीक्वेंस जो मैं यहाँ पे करूंगी, कोडिंग सीक्वेंस इज, ठीक है, एक्सॉन्स, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होगी, is introns. Okay, polycistronic. मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले भी मैंने बहुत बार कहा था, so this is very important. Polycistronic मतलब एक ही जीन का they can synthesize many types of proteins, right? So polycistronic, देखो prokaryotes बहुत simple सा organisms है, उसमें एक ही जीन होता है, so उसी जीन को सारे प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है. सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ऑकर्स इन किसमें होगा, प्रोकैरियोट्स में, राइट. नेक्स्ट, टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच radioactive isotopes was used by Hershey and Chase in the experiment. ठीक है, once again this is important question. तो radioactive isotopes जो भी उन्होंने use किया था, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इस chapter में कई सारे isotopes की uses हुई है, तो हर कौन सी experiment में क्या exact isotopes use हुआ है, that's very important. So S जो है 35, ये किसके लिए यूज हुआ था, फॉर सरफेस प्रोटीन. ठीक है, फॉर सरफेस प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफाज, टू बाइंड विद द सरफेस प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफाज. ठीक है, और दूसरा क्या यूज हुआ था, P32 विच बाइंड्स विद डीएनए. ठीक है, फॉस्फेट क्यों डीएनए के साथ, P32 क्यों डीएनए के साथ बाइंड होती है, बिकॉज डीएनए हैज अ फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फैक्ट दैट प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, विथ अ पाइरिमिडिन. तो प्यूरिन हमेशा किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, पाइरिमिडिन के साथ. That leads to stability in the DNA double helix. मतलब हमारे पास क्या आता है इसके वजह से, so एक तो stable हो जाती है, दूसरा जो main important है देखो, purine pyrimidine, purine में purine has two rings, right? और pyrimidine के पास होता है has one ring. तो हमेशा when a purine binds with pyrimidine, what does it do? It maintains ये three ring का gap होता है, which brings 20 angstrom की जो weight होती है, ठीक है, and that means इस binding से क्या होगा, which maintains uniform width.
So it this binding maintains uniform throughout DNA. ठीक है, पूरे DNA में जो width है उसको uniform रखेगा. Human genome मतलब haploid equals to haploid set of chromosomes, right? तो कितने base pairs होता है ये भी हमने lectures के time में किए थे. It's which is equals to 3 × 10⁻⁹ base pairs. ठीक है, 3⁻⁹ base pairs होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन देखो, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स गेट लिंक्ड टू, हमने यहां पे क्या किया था कि एमिनो एसिड्स प्लस टी आर एन ए ये लिंक होती है. ठीक है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, किस एंजाइम से होती है अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए. इस रिएक्शन को पहले लिखते हैं अमीनो एसिड ट्रांसफरेज, राइट? सो एंजाइम जो कैटालाइज करता है अमीनो एसिड ट्रांसफरेज, राइट, टू फॉर्म अमीनो एसिड नाउ विल बाइंड विथ टीआरएनए. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या तो आप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह सकते हो इसको, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसको अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. तो देख लेना दोनों में से कोई ऑप्शन में हो गई तो अमीनो, या तो वन एंड टू, बोथ वन एंड टू भी हो सकता है ना. सो अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकेरियोट्स द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, स्प्लाइसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स. तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. तो बेसिकली स्प्लाइसिंग अगर हम पूछते हैं, इट इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, या तो एक ऑप्शन में ये रह सकता है, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, राइट? सो इट कैन बी जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स ऑल्सो. इन सम वायरसेस द डीएनए आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट, राइट? यानी ये क्या बोल रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है. ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज दिस डीएनए कॉल्ड, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज सीडीएनए. व्हाट इज सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए. ठीक है, नेक्स्ट द डीएनए एंजाइम, सॉरी डीएनए डिपेंडेंट, फिर से मैं कह रही हूं, ऑल्दो मैंने वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि ये जो है ना एंजाइम्स की फंक्शंस या एंजाइम की टाइप्स, इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है. The enzyme DNA dependent RNA polymerase, मतलब DNA के ऊपर बेस करके जो RNA synthesis हो रहा है. यहाँ पे हम किस एंजाइम की बात कर रहे हैं, RNA polymerase. Catalyzes the polymerization of, so RNA polymerase, इस एंजाइम का नाम ही है RNA polymerase, catalyzes synthesis of RNA in, हमेशा RNA हो या DNA हो, 5' to 3' direction. ठीक है,
which was the last human chromosome to be sequenced? So last chromosome was sequenced on sequencing was done was completed hum better likh sakte hai on May 2006, which was chromosome 1. ठीक है, सबसे लास्ट में क्रोमोसोम नंबर 1 ही सिंथेसाइज हुआ था. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है. अगेन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में ना काफी सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें हमें एक एक चीज में टिक नहीं करना होता है, कई सारे चीजें हमें फिल करना होता है. नाउ सबसे पहला पाथवे हम देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम इज फाउंड इन डैश पाथवेज. तो डैश पाथवेज, पाथवे दो तरह का होता है. वन इज एनाबॉलिक टू सिंथेसाइज, और दूसरा क्या होती है, कैटाबॉलिक. तो कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन. तो हमने लैक ओपेरॉन जो देखा था, लैक ओपेरॉन वाज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन वाज रिप्रेसिबल ओपेरॉन. ठीक है, सो रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम इज फाउंड इन फर्स्ट तुम्हारा जो ऑप्शन है इसमें, दैट इज द एनाबॉलिक. यानी हम उसमें क्या करते थे, सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन. तो एनी टाइप ऑफ सिंथेसिस इज एनाबॉलिक. और लैक ओपेरॉन में क्या होता था, ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, सो दैट इज कैटाबॉलिक. राइट, द पाथवेज एंड प्रोडक्ट सर्व्स एज. अच्छा, पाथवे का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, विच इज ट्रिप्टोफैन ओनली. ठीक है, तो वो जो ट्रिप्टोफैन है वो फिर रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इट कैन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन फर्दर. तो वो किस के अकॉर्डिंग ट्रिप्टोफैन वर्क्स एज को रिप्रेसर भी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, और फिर मेरा थर्ड पार्ट जो है, दैट इज टू एक्टिवेट द रिप्रेसर टर्न ऑफ एंजाइम सिंथेसिस and overproduction of the end product of the pathway, genes for these operon are usually switched on form में रहता है. राइट, और इसको स्विच ऑफ करवाते हैं तभी तो इसको रिप्रेसिबल कहते हैं. स्विच्ड ऑन एंड द रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड इन एन. ठीक है, किस फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, इन एक्टिव फॉर्म. रिप्रेसर अकेला तो रोक नहीं सकता ना, तो वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ओके, नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. देखो ये डायग्राम बेस्ड है, यानी स्किल बेस्ड है, तो यहाँ से तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन. एक तो साइंटिस्ट के नाम से भी आ सकता है. ये जो स्ट्रक्चर टीआरएनए की है, दैट इज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड वाज गिवन बाय रॉबर्ट हॉलीडे. ठीक है, एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी आता है. तो यहाँ पे देखो, ए व्हाट इज द ए पार्ट, ए पार्ट इज द सीसीए, मतलब ए इज द एडाप्टर. हमें लेवल करना है ना, एडाप्टर वेयर एमिनो एसिड्स बाइंड्स. ठीक है, ये एमिनो एसिड बाइंड्स. बी क्या है, बी कौन सा लूप है, सो बी इज आपको क्या सा, टी फाइव सी लूप, T5C लूप है ना. सो T5C लूप क्या, इसमें से क्या होती है, बाइंड्स विथ राइबोसोम. ठीक है, व्हाट इज सी, सी इज द कोड एंटीकोडन. इसको हम क्या लिखेंगे, एंटीकोडन विच बाइंड्स विथ कोडन. कोडन कहाँ पे होगी, एमआरएनए की कोडन के साथ. डी, डी इसको हम क्या बोलते हैं, डीएचयू लूप दैट बाइंड्स विथ एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज.
ठीक है. नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. फिर देखो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो सीक्वेंसिंग करना स्टेप्स की है ना, और स्टेप प्रोटीन अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस. तो पहला क्या बोल रहा है, कोडन एंटीकोडन इंटरेक्शन बिटवीन एमआरएनए एंड अमीनो एसिड टीआरएनए. सेकेंड क्या बोल रहा है, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. और थर्ड क्या बोल रहा है, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स टू एमआरएनए टीआरएनए मिथियोनिन कॉम्प्लेक्स, लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसाइलेशन टीआरएनए. कितना अच्छा, ठीक है ना. सबसे पहले मेरा क्या आएगा, मैंने थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए कि मैं लिखूं या डायरेक्ट सीक्वेंसिंग कर दूं. अच्छा, तो मेरा सबसे पहले स्टेप्स में क्या आएगा, सबसे पहला स्टेप्स देखो. स्टेप्स में सबसे पहले हमें कौन सी स्टेप्स दिख रहा है यहाँ पे, कि अटैचमेंट है ना, सॉरी चार्जिंग. तो सी सबसे पहले आएगा, राइट. पहले चार्जिंग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए होता है. फिर क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है. फिर मुझे क्या दिख रहा है कि कोडन एंटीकोडन बाइंडिंग होगी बिटवीन द एमआरएनए एंड अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, फोर्थ दैट इज अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स टू एमआरएनए टीआरएनए मिथियोनिन कॉम्प्लेक्स, दैट इज डी, ठीक है. और उसके बाद लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट एमिनो एसिड, ठीक है. तो ये हमारा हो गया ई. एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है. तो सीक्वेंसिंग वाला बेटे बहुत अच्छी तरह से देख के जाना, क्योंकि सीक्वेंसिंग में ना आपको मतलब एक्यूरेट होना पड़ेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केमिकली आरएनए इज, तो केमिकली आरएनए इज मोर एंड लेस स्टेबल. सो मोर ये हमारा वन, एंड इज लेस स्टेबल ये हमारा टू एस कंपेयर टू डीएनए. क्यों लेस स्टेबल, क्यों, एक तो यूरासिल की वजह से और दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द राइबोस शुगर. सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन जो होता है प्रेजेंट होती है, यानी पूरी तरह से राइबोस शुगर. राइट द करेक्ट मैचेस ऑफ द फॉलोइंग. डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ डीएनए, या हम इसको सिंथेसिस ऑफ डीएनए भी लिख सकते हैं, राइट. हेलिकेज क्या कर देता है, इसमें अनवाइंडिंग, ठीक है. और लाइगेज क्या होती है, जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूटीआरस आर अनट्रांसलेटेड रीजन्स. UTR क्या होता है, अनट्रांसलेटेड regions होती है. सो प्रेजेंट ऑन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, हमने अभी तो mRNA की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि कैपिंग के बाद कुछ अनट्रांसलेटेड या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आती है. सो दोज आर UTRs प्रेजेंट ऑन mRNA में होगा, ठीक है. सो नेक्स्ट, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बींग्स. लोगों ने कहा था 80,000 है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा था 100,000 जीन्स है, बट द नंबर ऑफ जीन्स आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीन्स की आइडेंटिफिकेशन होगा, विच इज 25,000 से लेके 30,000 की हमने ये किया था ना. Next, what would be the base sequence of tRNA transcript obtained from the given DNA segment? देखो, इसमें जो given DNA segment दे रखा है,
एक तो 5 प्राइम हमें तो इसको लेना है ना, कोडिंग स्ट्रैंड, और ये क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। सो मुझे बेसिकली इसमें से हमें क्या निकाल रहा है, जी सी ए। अच्छा, तो मेरा कोडिंग सीक्वेंस, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग अगर स्ट्रैंड है, ठीक है। सो बेसिकली आरएनए ट्रांसक्रिप्ट निकालना है ना। सो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज यही होगा बेटा, 5 प्राइम ही होगा, जी सी, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जी सी ए टी नहीं होगा क्योंकि ये आरएनए है, यू यू आएगा, फिर अगेन सॉरी सी सी जी जी, फिर सी टी के जगह पे इसमें आ जाएगा यू, ठीक है, और फिर इसमें आपका आ रहा है टी के जगह पे यू ए, है ना, तो ए तो ए ही रहेगा। सो अगेन इट विल बी हियर। तो देखो इसमें तो सेम ही चीज आएगा, बट वही है, खाली आपको देखना है क्योंकि दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड ना, इसी के ऊपर ही आरएनए स्ट्रैंड आएगी, तो सेम ही रहेगा उसमें, सिर्फ आपको ये देखना है कि आरएनए में कभी थाइमिन तो होता नहीं है, तो दैट शुड बी रिप्लेस बाय यूरासिल। इन डीएनए स्ट्रैंड्स द न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय, सो कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स में अगर हम देखेंगे, दे आर जॉइंड बाय न्यूक्लियोटाइड्स, किससे जॉइंड होती है यहाँ पे बेसिक joined by या nucleotides are linked by phosphodiester bonds, right? ये sugar phosphate की बात कर रहे हैं ना, तो phosphodiester bonds, ठीक है। Next question, with respect to the polarity of a coding strand, the promoter site and the terminator site are located on the, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले प्रोमोटर साइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट। तो एक आता है 5 प्राइम अपस्ट्रीम, इसमें ऐसा लिखा जाएगा 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड एंड 3 प्राइम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोला जाता है, 3 प्राइम को डाउनस्ट्रीम, ठीक है, और एंड सो रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। उसके बाद 32, द ह्यूमन क्रोमोसोम विथ the highest and the least number of genes are, देखो highest में अगर देखे हम, so highest is chromosome 1 2 9 6 8, ठीक है, और least is Y chromosome which is 231 genes, ठीक है। अच्छा देखो, हमने ना ऐसे वाले क्वेश्चन काफी किए थे कि चारगफ रूल अप्लाई करके हमने वैल्यू निकाला था कि अगर एडिनिन का गिवन है और हमें शायद गुआनिन का निकालना था, या एडिनिन का गिवन है और साइटोसिन का निकालना, तो इस तरह के क्वेश्चन कर दिया हमने, बहुत सारे किए हैं ना, बट यहाँ कुछ और बोल रहा है, वाइल एनालाइजिंग द डीएनए, यहाँ सारे वैल्यूज दिए हुए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, the total number of 5386 nucleotides were found out of the proportion of different bases, jahan where adenine is 29%, cytosine bol raha hai 32%, guanine 17%, and jo mera thymine hai it's again 17%. So considering the Chargaff rule, it can be concluded that, theek hai, तो बेटा देखो एक चीज, चारगफ रूल हमें क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल ये होना चाहिए,
and amount of guanine should be equals to cytosine, right? लेकिन यहाँ पे देखो कि एडिनिन का वैल्यू कुछ है 29% है, ठीक है, थाइमिन का वैल्यू आ रहा है 17%, है ना, साइटोसिन का 32%, तो और फिर ग्वानिन का यहाँ पे 17%, तो मेरा चारगाफ रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है. अगर ये फॉलो मतलब इक्वल नहीं होता, दैट मींस प्यूरिन और पाइरिमिडिन की पेयरिंग नहीं है. सो व्हाट डज इट मींस, प्यूरिन पाइरिमिडिन जो वैल्यू होती है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू अ होल नंबर में भी आना चाहिए. सो व्हाट डज इट मींस दैट द डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंस ए इज नॉट इक्वल्स टू टी एंड जी इज नॉट इक्वल्स टू सी, सो डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है. इन ई कोलाई द लैक ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन, ये बोल रहा है कि ई कोलाई में लैक ओपेरॉन कब स्विच्ड ऑन होती है, तो कब होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, सिंपल सी है ना, ये तो हमने काफी किया है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, राइट, एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, तब जाके स्विच ऑन होती है, इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, यानी फिर उसी लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर, राइट, सो रिप्रेसर. विथ रिगर्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकेरियोट्स, राइट, क्या प्रेजेंट है, सो एक्सॉन्स मैच्योर, तो एक्सॉन्स आर प्रेजेंट मैच्योर एमआरएनए में, ठीक है, और इंट्रॉन्स क्या होगी, एब्सेंट, इंट्रॉन्स आर एब्सेंट, ठीक है, इन मैच्योर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन, राइट, तो मैं यहां पे थोड़ा सा नंबरिंग लगा देती हूँ, 1, 2 और 3, ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है, डीएनए फॉस्फेट जो भी हमारा द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू कार्बन ऑफ द शुगर रेसिड्यूज, ठीक है, अब ये शुगर रेसिड्यूज के साथ भी अटैच्ड है, और तो फिर इसको देखो, हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट करा है कि डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू, है ना, तो मेरा नंबर 1 जो होगी, फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, 5', ठीक है ना, 5', जो कार्बन की पोजीशन है, फॉस्फेट अटैच्ड होती है, ठीक है. एंड नंबर 2 मेरा क्या है, ऑफ 3/3 कार्बन, मतलब 3' कार्बन जो होती है, ठीक है. एंड जो मेरा थर्ड आएगा, कौन सी बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड अटैच होती है, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है, ठीक है. व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट्स, तो देखो ये तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, शुगर प्लस ए इक्वल्स टू शुगर प्लस नाइट्रोजेनस बेस, यानी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और बी क्या बोल रहा है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजेनस बेस, सो विच इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. गो थ्रू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन जीन विथ 2.4 million बेसिस, क्रोमोजोम 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स दैट इज 2,968 एंड Y हैज मिनिमम 231. द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3,164.7 billion न्यूक्लियोटाइड बेसिस and the total number of genes estimated to be 1,000. So which of the following are correct, kya hoga,
ऑल द स्टेट्समेंट ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, है ना. डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट होती है और इंसुलिन क्या होता है द स्मॉलेस्ट होती है. सो ऑल द स्टेटमेंट्स ठीक है. नेक्स्ट फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज डीएनए इज डेंसली पैक्ड. ये रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ डीएनए बोल रहा है, मतलब क्रोमैटिन के बारे में बोल रहा है. सो एक तो इसने बोला है कि इट इज डेंसली पैक्ड, इट इज इट स्टेन्स डार्कली, है ना. तो यहाँ पे स्टेन्स डार्कली अगर है, that means they are talking about heterochromatin. So heterochromatin जो होती है it's transcriptionally जो है inactive होती है. So C is wrong as heterochromatin is transcriptionally inactive, right? The sequence of structural genes in lac operon is, पहले lac क्या आता है, Z आती है, followed by lac ZY, followed by lac ZY or A होता है, ठीक है? So we have revised the entire topic questions, और ये जो आज का जो मेरा tutorial था, NCERT based था, मतलब एनसीईआरटी के लाइंस ही मैंने इसको उतारा है यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो एनसीईआरटी जो है ना इट्स बाइबल फॉर अस, और उसके अदर देन एनसीईआरटी हम एडिशनली और 30-40% हम थोड़ा एक्स्ट्रा या मॉडिफाइड वे में पढ़ते हैं, राइट. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल बी बैक विद आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन नेक्स्ट डे. ओके फाइन.